चलिए इसके साथ एक नजर डालते हैं स्वर की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर बुरहानपुर से, जहां जिला अस्पताल की लिफ्ट में फंसे 12 से अधिक लोग, तकनीकी खराबी के चलते बीच में बंद हुई लिफ्ट। लिफ्ट में फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास जारी। कई बार लिफ्ट में फंस चुके हैं लोग। लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं करने के कारण जो लोग कई बार इस लिफ्ट में फंस जाते हैं। लिफ्ट के बाहर लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बुरहानपुर से, जहां जिला अस्पताल में लिफ्ट में फंसे 12 से अधिक लोग, तकनीकी खराब के चलते बीच में बंद हुई लिफ्ट। लिफ्ट में फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास जारी। लगातार ऐसी घटनाएं यहां से सामने आती है, जहां मेंटेनेंस ना होने के चलते आए दिन लोग लिफ्ट में फंस जाते हैं। अभी भी लिफ्ट के बाहर जो है कई लोगों की भीड़ लगी है और फंसे हुए लोगों को निकालने का काम अभी भी जारी है। इसी के साथ इस खबर पे हमारे साथ बुरहानपुर से हमारे संवाददाता गोपाल देवकर जुड़ चुके हैं। गोपाल, एक बड़ी लापरवाही की खबर यहाँ पर सामने आ रही है जिला अस्पताल में, जहाँ एक साथ लिफ्ट में 12 लोग फंस गए हैं। अभी क्या अपडेट्स हैं वहाँ पे? जी अश्विता, बता देना चाहूंगा कि बुरहानपुर के जिला अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। हालांकि इसके पहले भी करीब 3 से 4 बार लिफ्ट में लोग फंस चुके हैं और बड़ी ही जद्दोजहद के बाद में उन्हें निकाला गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मजदूर, इसमें जो है मरीज और बुजुर्ग लोग मौजूद थे, जो करीब करीब 12 लोग से अधिक है और ये लिफ्ट में फंस चुके हैं, जिसके चलते इन्हें बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद जारी है। काफी लोग यहाँ पर मौजूद है जो इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मरीज और बुजुर्ग लोग बाहर निकल जाए। जी बिल्कुल, आमतौर पर देखा जाता है कि लिफ्ट में ज्यादा लोगों को अंदर एंट्री नहीं होती है, 5 से 6 लोगों की एंट्री देखी जाती है और होनी भी चाहिए इतनी। 12 लोगों को एक साथ लिफ्ट में जाने की इजाजत यहाँ पर किसने दे दी है, और एक साथ इतने लोग, आप बता रहे हो मरीज भी है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? जी निश्चित तौर पर यहाँ पर जिस तरह से लिफ्ट में जितने लोग होने चाहिए थे उससे अधिक यहाँ पर देखे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी गार्ड मौजूद नहीं होता, जिसके चलते लोग लिफ्ट में चले जाते हैं और अपने अपने मरीजों को साथ में लाने ले जाने का कार्य करते हैं, और कई लोग भी इसमें आने जाने का कार्य करते हैं। खास तौर पर बुजुर्ग और महिलाएं इसमें लिफ्ट से जाती है, लेकिन यहाँ पर बड़ी लापरवाही कि ना तो गार्ड था ना किसी प्रकार से कोई मेंटेनेंस किया जाता, जिसके चलते यहाँ पर लिफ्ट खराब हुई है। अभी क्या अपडेट है? हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ जो है लिफ्ट के बाहर इकट्ठा हुई, तो अब तक क्यों नहीं निकाला गया और कोई टेक्नीशियन यहाँ पर आया है जो इस लिफ्ट को खोल सके? जी निश्चित तौर पर यहाँ पर अभी भी जो है जद्दोजहद जारी है, और जिस तरह से टेक्नीशियन भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, जिस तरह तस्वीरों में भी दिखाया जा रहा है कि अब यहाँ पर लोग और टेक्नीशियन मिलकर जो है कहीं ना कहीं प्रयास जारी है और शीघ्र ही इन लोगों को निकाला जाएगा। अंदर जो लोग फंसे हैं उनसे कुछ संपर्क हो पा रहा है, बात हो पा रही है, मतलब क्या हाल है उनके अंदर? जी अभी बिल्कुल बातचीत नहीं हो पा रही है, केवल आवाज, हल्की आवाजें बाहर, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आ रही है। केवल वो यही कह रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाले। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको हमने बुरहानपुर से बताई, जहां जिला अस्पताल के लिफ्ट में 12 लोग फंस गए हैं और लगातार लोगों को बाहर निकालने का प्रयास जारी है। टेक्नीशियंस आ गए हैं, मगर यहां पे सवाल ये खड़ा होता है कि एक साथ इतने लोगों को लिफ्ट में जाने की इजाजत किसने दी, और अगर दी भी तो लिफ्ट का मेंटेनेंस क्यों नहीं होता है। तो खबर थी बुरहानपुर से।